नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना काल में प्रतिबंधित दवाओं को जमाखोरी और बड़ी मात्रा में वितरण किया गया था और ये वितरण कोई आम शख्स ने नहीं की थी, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन ने की थी, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर के एक्शन पर कई सवाल उठाए। वहीं ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनाधिकृत रूप से फैबी फ्लू दवा देने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया। अदालत को बताया कि विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून के तहत ऐसे ही अपराधों में दोषी पाया गया। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से 6 हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी। फिलहाल हाईकोर्ट ने ड्रग्स कंट्रोलर से कहा है कि आपने दवाओं की जमाखोरी के लिए कुछ डीलर्स और लाइसेंसी होल्डर्स लोगों को तो नोटिस जारी किया, लेकिन अभी तक गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस पर ड्रग कंट्रोलर ने कोर्ट से कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि नियम का उल्लंघन करने और इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं की जमाखोरी के आरोप में गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।